साल 1947 वो समय था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों में बटा। इस बंटवारे ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ पंजाब को भी दो हिस्सों में बांट दिया। इसका एक हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और दूसरा हिंदुस्तान में। इस जंग में 5 से 7 लाख लोग पंजाब के दोनों तरफ मारे गए थे और करीब 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। मुल्क बदल गए लेकिन दोनों ही जगहों में काफी कुछ एक जैसा अभी भी है। तो चलिए जानते हैं कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पंजाब में से कौन सबसे ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही पंजाब के एरियाज के बारे में। आपको बता दें कि 1947 में जब पंजाब का बंटवारा हुआ तब करीब 44% पंजाब का हिस्सा इंडिया में आया था और 56% हिस्सा पाकिस्तान के हाथ लगा था। शुरुआत में भारत के पंजाब का टोटल एरिया 151,656 किलोमीटर स्क्वायर था, जिसके बाद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे छोटे छोटे शहरों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से आज भारत के पंजाब वाले हिस्से का टोटल एरिया सिर्फ 50,262 किलोमीटर स्क्वायर ही बचा है। वहीं पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस का टोटल एरिया 2,05,344 किलोमीटर स्क्वायर है। बता दें कि पाकिस्तान का पंजाब बलूचिस्तान के बाद यहां का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं भारत के पंजाब को करीब 22 जिलों में बांटा गया है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब को लगभग 36 जिलों में बांटा गया है, जिसकी राजधानी लाहौर है। जब पाकिस्तान का एरिया इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है यहां काफी ज्यादा लोग रहते होंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी पंजाब में करीब 11 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी पॉपुलेशन के साथ यह पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी संख्या वाला राज्य बना हुआ है। इस हिसाब से इंडिया के पंजाब में बहुत कम लोग हैं। इंडियन पंजाब की पॉपुलेशन आज 2022 में लगभग 3.07 करोड़ है। पॉपुलैरिटी के बाद हम आपको लेकर चलते हैं दोनों ही देशों की जीडीपी की तरफ, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की साइड। भारत का पंजाब जीडीपी के मामले में यहाँ 16वें नंबर पर आता है, लेकिन पाकिस्तान का पंजाब अपने पूरे देश में जीडीपी के हिसाब से टॉप पर आता है। यहाँ का सबसे अमीर राज्य है, जिसकी वजह से इस देश के शाही ठाट बाट में रहने वाले ज्यादातर लोगों ने इसी राज्य को अपना रैन बसेरा बना रखा है। इंडिया के पंजाब की जीडीपी 5.78 लाख करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान के पंजाब की जीडीपी करीब 173 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इसका मतलब है पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा अकेले यहां के पंजाब से आता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आज 2022 में 296 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, जिसमें अकेले पंजाब 173 बिलियन यूएस डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन करता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा दो मुल्कों के अलावा दो धर्मों का भी हुआ था, जिसमें कई मुस्लिम भारत को छोड़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। आज की तारीख में अगर रिलीजन के बेस पर दोनों पंजाब को समझने की कोशिश की जाए तो भारत के पंजाब में करीब करीब 57.69% सिख, 38.49% हिंदू और 1.93% मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की उस खूबी के बारे में जिससे शायद ही कोई वाकिफ ना हो, और वो है पंजाब का खाना। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पंजाब की बात हो तो यहाँ के मक्के की रोटी, सरसों के साग और लस्सी की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सब तो इंडिया में फेमस है। क्या पाकिस्तान के पंजाब में यही फेमस है? तो बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब में खान पान के मामले में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों थे तो पहले एक साथ ही। एक तरफ जहां इंडियन पंजाब में आपको सरसों का साग और मक्के की रोटी, बटर चिकन, मसाला चना, आलू पराठे, तंदूरी चिकन, छोले भटूरे, राजमा चावल, पिन्नी और लस्सी ही पीने को मिल सकती है, वहीं पाकिस्तान के पंजाब में भी आपको सरसों का साग, दाल मखनी, लाहौरी पाया, मुर्ग छोले, करी पकौड़े, चिकन कढ़ाई, मटन, कुन्ना गोश्त, बीफ कबाब, आलू पराठे, कुलचा और खीर, ये सब मिल सकता है। मेन्यू देखकर आप तो समझ गए होंगे कि खाने के मामले में दोनों ही पंजाब काफी हद तक एक दूसरे की एकदम कॉपी है। बस फर्क इतना सा है कि भारत के हिसाब से पाकिस्तान के पंजाब में मीट का कंजप्शन ज्यादा है। खाने के बाद बात करते हैं दोनों ही राज्यों की बोली के बारे में। अब ये तो साफ है कि पंजाब है तो पंजाबी लैंग्वेज तो जरूर बोली जाती है, लेकिन क्या सिर्फ पंजाबी ही बोली जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के पंजाब में बेशक से ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा इस राज्य में हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी रहते हैं। वहीं पाकिस्तान के पंजाब में भी पंजाबी भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर उर्दू, पश्तो, बलूची भाषा और सिंधी भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों ही राज्य एक जैसे ही तो हैं, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इन दोनों ही पंजाब के फेस्टिवल्स में मेजर डिफरेंसेस हैं। भारत के पंजाब में जहाँ लोहरी, वैसाखी, बसंत पंचमी और करवा चौथ जैसे फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, वहीं पाकिस्तान के पंजाब में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ के खास फेस्टिवल्स की लिस्ट में ईद अल अजहा, ईद उल फितर, शबे बरात, ईद ए मिलाद उन नबी और मुहर्रम जैसे कुछ फेमस फेस्टिवल शामिल है। ये सब तो अभी तक हमने बहुत ही बेसिक से डिफरेंसेस पर बात की है। चलिए थोड़ा अब लिटरेसी रेट पर गौर फरमाते हैं। भारत में पाकिस्तान के हिसाब से ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, ये बात वहाँ के लिटरेसी रेट साफ साफ बताती है। जैसे कि भारत के पंजाब में जहाँ टोटल लिटरेसी रेट 84.78% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 88.37% है और फीमेल लिटरेसी रेट करीब 76.00
दशमलव 0.1% है। इंडियन पंजाब को छोड़कर अगर पाकिस्तान के पंजाब के लिटरेसी रेट को देखा जाए तो यहाँ की टोटल लिटरेसी रेट 75.84% है, जिसमें से मेल लिटरेसी 80.44% और फीमेल लिटरेसी 70.43% के आसपास है। तो ये थी दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब और इंडियन पंजाब की कुछ खास बातें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सा पंजाब सबसे ज्यादा बढ़िया लगा।